मूंगफली के दामों में कमी को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी में किया हंगामा। शिवपुरी के पिपर समा मंडी में किसानों ने उस समय हंगामा कर दिया जब मूंगफली की खरीदी में व्यापारियों ने भारी कमी कर दी। इसके बाद मंडी परिसर में किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने बताया कि मंडी परिसर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जानकारी के अनुसार किसानों ने बताया कि उनकी मूंगफली की खरीद में पिपर समा मंडी में दामों की कमी की गई है, जिसके बाद तत्काल किसानों ने मंडी परिसर में हंगामा कर दिया। किसानों ने व्यापारियों पर आरोप लगाए हैं कि व्यापारियों की मनमानी लगातार जारी है। हंगामा बढ़ते देख मौके पर तत्काल देहात थाना पुलिस पहुंची, जहां पर मूंगफली की खरीदी शिवपुरी मंडी में अच्छे दामों में हुई है, किसानों ने ऐसा कहा। वहीं शिवपुरी मंडी में अनाउंसमेंट कर किसानों से कहा कि यहां पर अच्छी खरीद अब पिपरसमा मंडी में होगी, जिसके बाद पिपरसमा मंडी में किसानों की मूंगफली की खरीद कम दामों में की जाने लगी, जिसके बाद किसानों का हंगामा बढ़ गया। आपका? मेरा नाम रमेश। कहां से आए हो? चिटोरा। यहाँ मंडी में आज जो किसान जिन्हें कहते हैं आंदोलित हो रहे हैं, किस बात को लेकर हो रहे हैं? फरी के चक्कर में साहब सीपरी से मंडी ऐलान कर दिया बनिया लोगों ने कि जय मंडी नहीं हो रही, भेजा जो बस मारे चले जाओ। ठीक है, तो साहब हम जे आए, कोई संजय कोई आवे, कोई सवेरे कोई आवे, हैं साहब 1,000 रुपये क्विंटल का दाम लगाए। 1,000 रुपये क्विंटल में? क्विंटल 1,500 ज्यादा से ज्यादा, 1,000 से स्टार्ट, 1,500 से 2,000 तक लास्ट जी। तो अच्छा, बाहर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है मूंगफली? बाहर की मंडी में 4,000 से 4,500 के लगभग रेट घुमा की आज की मंडी, आज की मंडी है। और यहाँ क्या भाव लगाया आपने? यहाँ तो अभी जो जिनने 1,000 से 1,500 रुपए ये स्टार्टिंग में डांट, जिनकी डांक भैया भैया की और ये होंगे ना। अच्छा, बिल्कुल, जिनकी मन पर चल रही है। तो आपका विरोध किस बात को लेकर है? विरोध यही है कि ना तो एक तो डांक हो पा रही, जो पाड़ा लगा लगा के जो गाड़ी है, जो किसानों की डली है ना, वो घर पे जा रहे हैं। अब ना कोई व्यापारी ना कुछ, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ का मंडी। व्यापारी आए ही नहीं है, कोई नहीं आया। आए व्यापारी आए और उनकी मनमर्जी से फरी ली है उनने। 1,000 से लेके वो 2,000 के बीच में 1,800-1,700 रेट लगाई बिनने किसानों ने, बेची है मजबूर नहीं बेची, इतने में भैया लागत भी नहीं पड़ती, किसानों की लागत मांगे कर रहे हैं 2 दिन की। अच्छा, मंडी प्रबंधन से आपकी बात हुई? मंडी मंडी का प्रबंधन कोई नहीं है यहाँ पर, कोई किसी से बात मतलब करी तो सब निकल गए। तो यहाँ से क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम देवेंद्र रावत। कहाँ से आए हो? बिलोकला। क्या लेकर आए थे आप? मैं मूंगफली लेकर आया। मूंगफली लेकर आए थे तो आपकी मूंगफली नहीं हो पाई। अब मूंगफली न बिकने से क्या नुकसान होने वाला है? अरे भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर राठौर। अच्छा, ये मूंगफली के जैसे कम दाम लगे हैं और कम दाम लगने के कारण आज किसान मूंगफली नहीं बेच पाया है, उससे क्या नुकसान है? कल भी फरी नहीं बेच पाएगा, कल जो बंद रहेगी तो उसमें आधी बहुत सारी मूंगफली है जो सूख जाएगी, उसमें नुकसान जाएगा उसका, किसान का। जैसे कल की जो मूंगफली रखी है उसमें कम से 10-15 किलो पर मूंगफली घटती है। नहीं तो व्यापारी तो सूखी मूंगफली लेगा ना? नहीं नहीं, गीली बिछ रही है अभी तो, गीली चल रही है। तो केवल इतना नुकसान है कि वजन कम होगा, वजन उसमें बहुत कम हो जाएगा। तो कब तक पड़ा रहेगा किसान? 5 बजे का किसान आया, लेके आए ना, उनका भाड़ा भी तो लग गया। अब जो 5 बजे का किसान आके बैठा है, जो मंडी में किसान उधम मचा रहे हैं, उनकी मूंगफली का दाम गिरा दिया गया है आधे से भी ज्यादा, क्या पूरा मामला है ये? भाव अगर गिरा है ऊपर से, व्यापारी भी जा रहे हैं, अगर खुली ऑक्शन होता है, खुले ऑक्शन में जो भाव है किसान को देना दे दे, नहीं देना तो छोड़ दे। अगर मान लो विषम रूप में गिरा हुआ तो मैं खुद खड़े होकर देख रहा हूँ बाजार। किसान ये कह रहा है कि आज उन्होंने मंडी में है ना 3,500-3,600 बेचा है सब्जी मंडी में सुबह के टाइम पे, या 1,000 से 3,600 की वो पर्ची बता रहे हैं। खुली ऑप्शन बोली में तो जो ऑप्शन होगा ओपन स्पर्धा होगी, उसमें जो भाव जाएगा उसे जाएगी, नहीं देना किसान नहीं देना। नहीं, इसमें अगर व्यापारी एक मानसिकता बना लेता है यहाँ पर के ना, नहीं हमें तो इससे ज्यादा लगाना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपने कहीं से मंडी से मध्य प्रदेश की किसी मंडी से मूंगफली का रेट पता किया है आज कह रहा है? मंडियों के रेट जो हर मंडी अपने अपने ऑप्शन रेट चलती, व्यापारी अपने उसमें चलता दबा के कोई नहीं चलेगा। अगर नहीं होगा तो मैं और पता पा रहा हूँ।